देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीसी के अंदर किस तरीके से हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से आप परचेज की एंट्री करेंगे और किस तरीके से आप सेल की एंट्री करेंगे। देखिए मेरे पास एक डाटा है जिसमें मैंने परचेज की कुछ एंट्रियाँ डाल रखी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंपनी बनाई है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मेरी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो गई सक्सेसफुली, कंपनी क्रिएट हो गई सक्सेसफुली। अब इसके बाद आप लोगों जो जितना आप लोगों को सीखा है वो यहाँ पर पासवर्ड यूजर डाल के इस कंपनी को हम लोग करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, कोई जो मेरे पास दूसरी कंपनी है उस कंपनी को ओपन कर लेता हूँ। डाल दो अकाउंट में डाल के वहां से डाल दो। कैश अकाउंट, तो आप ये देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी काम हो रखा है। ठीक है, अब मैं इसमें सीखेंगे कैसे परचेस करें। तो परचेस के सबसे पहले कहाँ आएंगे आप, ट्रांजेक्शन। जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो आप इस लोकेशन पे खड़े होते हैं। कहाँ पर होते हैं, इस लोकेशन पर। सबसे पहले आप लोगों को शायद याद होगा लास्ट वीडियो में हमने सिखाया था कि इन्वेंटरी में क्या करना होता है, P4 आइटम। उसके बाद आप इस लोकेशन पर खड़े हो, आप फिर एरो की मदद से कहाँ जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो पहले आएगा पहले जाएगा, पहला हिसाब होता है उसके अंदर। देन आपको ट्रांजेक्शन पर आना है, इसके लिए आप हमेशा एरो की मदद लेंगे। जितनी एरो की मदद लेंगे उस तरीके से आप आगे ही चलेंगे। फिर आप इस पर एंटर मारेंगे तो आपकी जितनी लिस्ट होगी सारी लिस्ट यहाँ से खुल जाएगी। उसके बाद आपको कहाँ आना है, परचेज पे, और फिर यहाँ से ऐड करना है। क्लियर है, आप क्या चीज़ ऐड करनी है। देखिए परचेज के तीन टॉपिक है, पहला ऐड मॉडिफाई लिस्ट। क्या है ऐड मॉडिफाई लिस्ट, ऐड मतलब होता है नई बिल की एंट्री करने के लिए ऐड कर दें, मॉडिफाई मतलब चेंज करने के लिए, और लिस्ट मतलब सब देखने के लिए किसके कर दें लिस्ट। परचेज के बाद हम लोग कहाँ आएंगे, हमने यहाँ पर तारीख देखी कि माल हमने कब खरीदा, यहाँ पर लिखा है 1/4/2014, तो मैं कितना डाल दूंगा 1/4/2014। बट 14 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता है क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल कितने का होता है, एक साल का होता है, कितने का होता है, और हम कौन सी कंपनी कौन सी यानी बनाई है 17 में, 14 की एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल एक साल का होता है, तो एक साल की एंट्री कर सकते। तो आपका जो फाइनेंशियल आप वही चीज़ मान गए, आप भी सोचिए यहाँ 14 है वो आपका 17 है, ये मान के चलिए। अब इसमें वाउचर नंबर क्या है, वाउचर नंबर जानते हैं आप लोग क्या था, मेरे और आपके बीच में ट्रांजेक्शन उसका कोई प्रूफ तो होगा, उसे वाउचर नंबर कहता है, एविडेंस कहते हैं। आप कोई कहीं जाते हो कुछ बनवाते, कहता है आपके पास एविडेंस है या डॉक्यूमेंट है, आपके मेरे बीच में ट्रांजेक्शन उसका क्या प्रूफ होता है, इसका प्रूफ होता है वाउचर नंबर। उसके बाद अब किस में माल खरीदे आप डालोगे एग्जाम, एग्जाम मतलब होता है विदाउट टैक्स, जिस पर कोई टैक्स नहीं था उसका क्या मतलब है एग्जाम। और किससे खरीदा है माल, तो यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा है, तो क्या मेरे पास ए नाम की कोई पार्टी है, तो क्या करूँगा मैं F3 से, ये शॉर्टकट है किसी भी पार्टी आइटम यूनिट या बीसी में आप कुछ भी बनाएंगे उसकी शॉर्टकट होती है F3। आप यहाँ पर ए लिखेंगे और ग्रुप में डाल देंगे सेंडरी क्रिएटर। सेंडरी क्रिएटर्स कौन होते हैं, ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं। सेंडरी क्रिएटर्स हमारे कौन होते हैं, ये हमारे वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे माल खरीदते हैं। और आपको इस पार्टी की जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसका एड्रेस, इसका मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप करके चलनी। देखो जितना अच्छा आप फिलअप करोगे उतना अच्छा आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप ये समझिए जितना मैं बेस्ट करूँगा उतना दिखेगा। क्लियर है, उसके बाद इसको आप यहाँ से सेव कीजिए, ध्यान से सेव होते ही फिर आप आगे जाइए। हाँ, आप यहाँ पर किस कहाँ माल रखना, तो बोलेंगे मेन स्टोर में, मेन स्टोर, मेन स्टोर लोकेशन जहाँ माल को रखते हैं। उसके बाद क्या एंट्री है, हमने क्या खरीदी, कॉपी वन, तो क्या कॉपी वन के नाम से मेरे पास आइटम है, नहीं है, तो क्या करेंगे F3 हर चीज़ के लिए क्या करेंगे आप लोग F3। और यहाँ पर /1 अभी किस में आ रही है, तो उसने बोला यूनिट पीस में आ रही है, तो यहाँ पर अभी जनरल ग्रुप रखेंगे और यूनिट में डाल देंगे पीस। पीस का मतलब ये आइटम अभी किस में आ रही है, पीस में आ रही है। उसका सेल प्राइस कितना है, तो उसने बताया सेल प्राइस 50 रुपये, खरीदने का 40, तो 50 और 40 डाल के F2 करके सेव करें। कितनी क्वांटिटी, 100 पीस, तो 100, तो 100 डालोगे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन कर लेगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या है कॉपी टू, तो यहाँ पर F3 करके बनाएंगे क्या, कॉपी टू, और इसको यहाँ पीस लेंगे। कितनी क्वांटिटी,
रेट वही 50 और 40। पता ये आइटम कैसे बनाई मैंने, एफ थ्री करके बनाई है, क्योंकि इस आइटम की रेट चेंज करने के लिए मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई की शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस है, ऑल्ट प्लस एम शॉर्टकट है आइटम पार्टी किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने का, ये हो जाएगा। उसके बाद उसको सेव करना है, तो एक बार एफ टू करके नीचे आएंगे, फिर एक बार एफ टू करेंगे और फिर यहाँ से सेव करेंगे, तो आपका सेव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेव करा, जब मैं यहाँ आता तो मैंने एक बार एफ टू करा, तो एफ टू करा तो डायरेक्ट नीचे आया, फिर एफ टू करा तो मैं यहाँ पर आ गया, और फिर मैंने ये वाला बिल नंबर यहाँ डाल दिया, डालना बहुत ज़रूरी है, ये आपका काम कम्प्लीट हो, ये नहीं डालेंगे दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एफ फाइव से करेंगे तो आप अगर एफ फाइव दबाएंगे, क्या दबाएंगे, एफ फाइव, आपने किसी भी लिस्ट पे जाके अगर आपने एफ फाइव दबाया है तो उस पर क्या होगा, आपकी पूरी लिस्ट खुल के आएगी, क्या खुल के आ जाएगी, लिस्ट खुल के आ जाएगी, लिस्ट में ये बताएगा आपने किस डेट को किस तारीख को किस किस पार्टी से आपने परचेज करी है। उसके बाद दो तारीख को आपने पार्टी से माल खरीदा, यहाँ पर दो तारीख डालेंगे, वाउचर नंबर कितना है टू, तो यहाँ पर टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एग्जाम, मतलब विदाउट क्या आइटम खरीदी इससे, बी, तो बी पार्टी से खरीदा, बी पार्टी में बस ऑलरेडी है नहीं, तो क्या करूँगा इसके लिए एफ थ्री, एफ थ्री शॉर्टकट है ग्रुप में बी, और ग्रुप में क्या डाल दूंगा सैलरी क्रेडिटर्स, इसको नो करूँगा और एफ टू करके सेव कर दें। ठीक है, ये फटाफट काम करने, एक बार थोड़ा टाइम लगाइए, देन स्पीड निकालिए। अब क्या आइटम बनी, कॉपी थ्री कॉपी फाइव, तो क्या कॉपी नाम के पास आइटम है कोई, वन टू है, लेकिन चाहिए क्या मुझे कॉपी थ्री है, कॉपी थ्री क्या करेंगे भाई, क्या लिखेंगे यहाँ से, क्या डालेंगे इसमें, बीस, कितना 50 रेट चार्ज और एफ टू करके सर, कितनी क्वान्टिटी 160 और फिर एफ थ्री क्या लिखेंगे, कॉपी फोर, कितनी 50 40 और सेव करें, कितनी क्वांटिटी 140, खत्म हो गया काम। एक बार एफ टू करके नीचे आएंगे, फिर एफ टू दबाएंगे सेव पे जाएगा, दो पाला बिल नंबर यहाँ डाल के सेव करें, और लिस्ट देखनी तो क्या करेंगे, दिक्कत है, कर लोगे आप परचेज तो इस तरीके से। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी है, सबसे पहले अगर आपसे किसी ने कहा मुझे एक दिन की परचेज बताओ, तो आप कहाँ आएंगे, तो आप लिस्ट में आएंगे, स्क्रीन करेंगे, और यहाँ पर जितनी डेट मांगेगा, जैसे मैंने आज का दिखा, तो आज की स्टार्टिंग डेट और आज की एंडिंग डेट डाल दें, तो आपकी पूरी लिस्ट खुल जाए, क्लियर है। उसने कहा कि जो ए पार्टी है उसका ए नाम नहीं है, क्या नाम नहीं है, ए नाम नहीं है, उसका डबल ए नाम है, तो आप यहाँ पर इसको जाके ओल्ड प्लस एम से मॉडिफाई करेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, डबल ए, उसको एफ टू करके क्लियर है। कभी कभी जब आप स्पीड में काम करोगे तो आपके एक प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी, वो क्या होगा, आप गलती से आपकी कोई और आइटम आ जाएगी जो आपको आइटम चाहिए नहीं, तो उस आइटम को हटाने के लिए F9 शॉर्टकट होता है, क्या होता है, F9 मतलब शॉर्टकट होता है किसी भी आइटम को हटाने के लिए। जब आप कभी गलती करोगे आइटम में तो उसके बाद आपको F9 करना कंपलसरी है। जब आप आइटम में मॉडिफाई करने के बाद, क्या करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद आपको F9 करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी, ये चीज़ आप लोग मान लीजिए, क्लियर है, समझ में आ गई, ये बेसिक प्रॉब्लम, क्लियर है। परचेज की शॉर्टकट होती है F9, यहाँ देख भी सकते हैं आप, परचेज इज़ अ शॉर्टकट ऑफ ओल्ड F9, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप ओल्ड के साथ F9 बटन दबाएंगे या कंट्रोल के साथ F9 बटन दबाएंगे तो आपकी परचेज खुल जाएगी, क्लियर है। आगे परचेज कर लेंगे आप लोग बैठ के, तो आप लोग बैठिए सिस्टम पर इसकी परचेज कीजिए।